नमस्कार, नेचुरल योगा फिजियोफार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास देखेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। महानगरों की जटिल दिनचर्या में व्यक्ति अपने लिए थोड़ा समय मुश्किल से निकाल पाता है, जिसमें भी वो शरीर को आराम नहीं दे पाता, जिससे शरीर अक्सर तनावग्रस्त रहता है। योग के अनुसार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आराम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए योग में योग निद्रा तथा मेडिटेशन बताया गया है, जो शरीर को शिथिलता प्रदान कर बॉडी को रिलैक्स करते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आइए आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने की विधि यानी शिथिलासन के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। योग मुद्रासन के लिए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। उसके बाद दोनों घुटने की ओर बारी बारी झुकेंगे। कोशिश करेंगे घुटने को नाक से टच कराने का। यह क्रिया 3 से 5 बार दोहराएंगे। योग मुद्रासन की क्रिया के बाद दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठे बैठे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा पीछे झुकेंगे। उसके बाद आगे आएंगे पूरा। यह क्रिया 5 से 7 बार दोहराएंगे। यह क्रिया 5 से 7 बार हो जाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर 2 मिनट रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद शशकासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए पुनः हाथों को ऊपर की ओर, उसके बाद थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और आगे धीरे धीरे झुकते हुए घुटने को नाक से टच करा लेंगे। यह क्रिया 3 से 5 बार करेंगे। शशकासन या शशांकासन की 5 से 7 बार क्रिया हो जाने के बाद सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए वज्रासन की स्थिति में ही पीछे की ओर सो जाएंगे, जिसे सुप्त वज्रासन कहते हैं। सुप्त वज्रासन से धीरे धीरे बाहर आएंगे। उसके बाद मत्स्येन्द्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर लेट जाएंगे, जिसमें पीछे का पूरा भार सिर के ऊपर आएगा। सिर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे और हथेलियों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ के रखेंगे। मत्स्येन्द्रासन के अभ्यास के बाद हम उत्तानपादासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए उत्तानपादासन के बाद हम इसी स्थिति में हलासन की ओर चले जाएंगे। फिर
फिर हलासन से धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद अश्व आसन या मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को एक सीध में रखेंगे, उसके बाद एक पैर को मुड़कर दूसरी तरफ तथा सिर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। पहले क्रिया एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। शिथिल आसन के लिए बिल्कुल रिलैक्स पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लेंगे। अब हाथों को कमर से 6 इंच की दूरी पर रखेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहेगा, सिर को एक तरफ झुका लेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। मन में किसी भी तरह का विचार उत्पन्न नहीं होने देंगे, मन को पूरे शरीर के ऊपर विचलन कराएंगे। पहले पैरों की ओर देखेंगे मन से, पैर के पंजे घुटने देखते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से तक आएंगे। उसके बाद हाथों को देखेंगे, हाथों को रिलैक्स करते हुए ऊपर की ओर, ऊपर के भाग मस्तिष्क तथा चेहरे को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करने का कोशिश करेंगे। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे पैर के तथा हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। उसके बाद बाई करवट लेके धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। उठकर बैठने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद उसको कप की आकृति बनाकर आँखों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।